हेलो एवरीवन, हेलो ब्यूटीज, हेलो हैंडसम, कैसे हो दोस्तों? स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर, एस डी निशा शर्मा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा आप समझ लो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने सोचा कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं अपने सब्सक्राइबर को क्यों ना दे दूं। आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, सपोज दैट मेरे सब्सक्राइबर में से 50 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है, और सिर्फ अगर 10 लोगों को भी पता चल जाता है, इट्स मीन जो मेरा एम था कि मेरी वीडियो से किसी को नॉलेज मिल जाए वो कंप्लीट हो चुका है। तो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूं निशा शर्मा, यहाँ पे मैं लेके आती हूँ बहुत सारी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स और कुछ नेचुरल थिंग्स से जुड़ी हुई बातें। दोस्तों एक सिग्नेचर, हम लोग कितनी आसानी से कहीं पर भी अलग अलग टाइप के सिग्नेचर कर देते हैं इन अवर चाइल्डहुड, हमें देखते नहीं, हम हर रोज अपने सिग्नेचर बदलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक है वो है फ्यूचर। हर कोई चाहता है कि वो अपना फ्यूचर देख ले, लेकिन दोस्तों आप अपने सिग्नेचर की हेल्प से अपना फ्यूचर देख सकते हो। देखो लोग क्या करते हैं, दो तीन टाइप के सिग्नेचर करते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं सिग्नेचर के, लेकिन जो फ्यूचर देखने के लिए हैं वो सिर्फ दो टाइप के हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर है जो कि पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों क्या आप इनकी स्ट्रेंथ देख रहे हो, इट मीन्स ढाल देख रहे हो? ये जो सिग्नेचर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स दैट कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो लाइफ है वो हमेशा ऊपर बढ़ती रहेगी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, लिखते 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 नीचे जाते रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड वाले सिग्नेचर की। सेकंड वाले सिग्नेचर में क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक सिग्नेचर लिखा हुआ है जो कि है दिनेश का। दोस्तों देखो हम एक सिग्नेचर की हेल्प से ये फाइंड कर सकते हैं कि सामने वाले इंसान को आपकी बोली हुई बात, जो आप मजाक में बोल रहे हो, वो उस बात को मजाक में ही ले रहा है या फिर उसे बुरा लग रहा है। मतलब कि आप नेचर देख सकते हो सामने वाले का कि वो किस नेचर का है, फनी नेचर का है या फिर गुस्सैल या फिर जो जल्दी से बातों को, आपकी किसी भी बात का जल्दी से बुरा मान जाता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो डी बनाया हुआ है मैंने, जो लोग स्मॉल डी या कैपिटल डी, कोई भी डी हो, उस डी में जो लाइन के साथ हम लाइन करते हैं वो अगर मोटी करते हैं, इट्स मीन दैट उनका जो बिहेवियर होता है वो होता है गुस्सैल। वो बहुत गुस्सा करने वाले होते हैं, उन्हें हर छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है। तो स्टार्ट, जो इंसान अपने नाम को छोटा सा लिखते हैं या फिर सपोज दैट रवि नेम है तो रवि में आर लिख के फिर पॉइंट लगा के, सपोज दैट उसकी कास्ट है शर्मा और शर्मा को बड़ा लिखते हैं, इट्स मीन दैट दे आर टोटली डिपेंड ऑन देयर फैमिली, उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं किस टाइप के साइन की बात कर रही हूँ। जो लोग अपना खुद का नेम बहुत स्मॉल लिखते हैं या एक वर्ड में लिखते हैं और अपनी फैमिली का नेम बहुत बड़ा सा, मीन्स फैमिली का मतलब है जो उनकी कास्ट है, जो उसका सरनेम है, शर्मा वर्मा एक्सेट्रा ऑल थिंग। देन दोस्तों बात करूं अपने अगर फिफ्थ पॉइंट की, तो हम बाय द हेल्प ऑफ फिफ्थ स्टेप वी कैन इजीली फाइंड कि लोग अपने वर्ड को बैक ले लेंगे। सपोज दैट मैंने बोला कि हाँ मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी और मैं अगले ही पल उस बात से पलट जाऊं, इट्स मीन दैट वो बैक ले लेते हैं, अपने किसी भी बात को उल्टा पलट देते हैं, वो किसी भी टाइम बदल जाते हैं। जो लोग अपने सिग्नेचर में किसी भी वर्ड को बैक लेके आते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं किस टाइप के सिग्नेचर की बात कर रही हूँ। जो लोग अपना कोई भी वर्ड जब वो सिग्नेचर करते हैं और पीछे की तरफ लेके आते हैं, इट्स मीन दैट वो अपनी बातों पर कायम नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है। पॉइंट जो है उन लोगों के लिए है जो अपने सिग्नेचर करने के लास्ट में एक पॉइंट लगा देते हैं, या अपने लास्ट के या फिर जैसे वो सिग्नेचर करते हैं तो वो पेज के कहीं पे भी पॉइंट लगा देते हैं, इट्स मीन दैट आपने खुद को ही स्टॉप कर दिया। सिग्नेचर क्या है, फर्स्टली आपको सिग्नेचर के बारे में समझना पड़ेगा। सिग्नेचर आपकी आइडेंटिटी है, आपका रियल नेम है सिग्नेचर। अगर आप उसको करने के बाद ही फुल स्टॉप लगा दे रहे हो किसी भी चीज को, क्या होता है सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करने के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, इट्स मीन दैट हमारी कहानी खत्म, अब फुल स्टॉप लगा दो। लेकिन अगर आप अपने सिग्नेचर के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं, इट्स मीन दैट आप खुद को ही कंट्रोल कर दे रहे हो, खुद को ही स्टॉप कर दे रही हो। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो लोग अपने सिग्नेचर को बहुत छोटा सा लिखते हैं, क्यूट सा लिखते हैं और साफ सुथरी राइटिंग में लिखते हैं, इट्स मीन दैट अपना सरनेम और फुल नेम, जो उनका रियल नेम होता है, वो दोनों चीज वो लिखते हैं, बिल्कुल लाइन से लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में 3-4 लाइन्स होती है, उन लाइन्स के बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड बना के लिखते हैं। इनका मतलब है वो बहुत ज्यादा लिमिटेशन में रहते हैं, वो नहीं, वो खुद को लिमिटेशन में रखते हैं कि वो हर चीज सोच समझ के करते हैं, उनके लाइफ में
सक्सेस तो होती है लेकिन एक सक्सेस की भी लिमिट होती है। कोई भी सक्सेस चाहता है वो चाहता है कि मुझे इतने से ज्यादा मिले, इतना मिल गया तो सही है लेकिन इससे ज्यादा मिल गया तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में होता है कि 10 रुपए कमा लिए इतना काफी है, अब चलो घर वापस चलो। ये ऐसा नहीं सोचते कि 11 रुपए अगर आ रहे हैं तो ले ले। तो जो लास्ट वाला पॉइंट है वो मेरे सिग्नेचर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं बिल्कुल ऐसे ही सिग्नेचर करती हूँ। कुछ लोग क्या होता है अपना नेम लिखते हैं, उसके बाद जो उनका सरनेम होता है ना वो अपने नेम के नीचे लिखते हैं और सरनेम थोड़ा अट्रैक्टिव होता है और लास्ट में 2 डॉट डालना तो मेरी हैबिट है। लेकिन जो ये अपने नेम के नीचे सरनेम लिखते हैं इन लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। क्यों बताऊं? क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं, इनको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई ना कोई या तो इनका फैमिली मेंबर या फिर कोई ना कोई इंसान इन्हें ऐसा मिल जाता है कि वो इनकी बहुत बड़ी हेल्प कर देता है और ये लोग अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। एंड ये चीज मेरी लाइफ में बहुत 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 बार हुई है। और दूसरी चीज ये भी, इन लोगों की जो फैमिली होती है, नॉट चाचा ताऊ बुआ फूफा, जो फैमिली लाइक फादर मदर ब्रदर मम्मा, ये जो होती है इन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है अपनी फैमिली का और वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों वीडियो की एंडिंग करते हैं, आई होप कि आपको आज बहुत सारी नॉलेज मिली होगी और कुछ इंटरेस्ट तो आया होगा। अगर इंटरेस्ट आया तो प्लीज लाइक माई वीडियो यार और कमेंट में जरूर बता के जाएं कि आप कौन सी वाले सिग्नेचर से बिलोंग करते हो, क्योंकि आपका सिग्नेचर, अगर दोस्तों ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं तो इस टाइप का सिग्नेचर करता हूँ और मैं तो इस नेचर का हूँ, नो प्रॉब्लम, आप अपने सिग्नेचर को चेंज करो, लाइफ में सीरियसली बहुत ज्यादा चेंज आएगा। एक बार करके तो देखो, क्योंकि मैंने किया है, मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई करने में क्या जाता है। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप अपने सिग्नेचर करते हो आपको याद रखना है कि सिग्नेचर का जो डायरेक्शन हो वो हमेशा ऊपर की तरफ हो, क्योंकि जो सिग्नेचर है क्या होता है, ऑटोग्राफ लेने के लिए हम क्यों भागते हैं, वो सिग्नेचर उस किसी भी एक्टर का सिग्नेचर या मोदी जी मिल जाए उनका सिग्नेचर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है सिग्नेचर। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने सिग्नेचर को वैल्यू दो, उसे थोड़ा सा सही करो और सही से लिखो और अपवर्ड डायरेक्शन में बनाओ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया है ना, सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और कमेंट करके जरूर जाएं। ओके बाय बाय।